सोल अभी जहां पर जा रहे हैं वहां पर ऑलरेडी टीम हैदराबाद हाइड्रास के खिलाड़ी जो है वो मौजूद है। इट माइट बी पॉसिबल वहां पर हमें क्लैश देखने को मिले। जी हाँ, टीम एनिग्मा, टीम सोल एंड टीम हैदराबाद हाइड्रास, तीन टीम हमें देखने को मिल जाएंगे। स्ट्राइकर की साइड से वो स्प्रे जाएगा रॉक्स डाउन, और मेरे ख्याल से वहां पर रिवाइवल का भी कोई ऑप्शन मिलने वाला नहीं। कैरी की साइड से स्प्रे जाएगा, युवा इज डाउन, टीम सोल इज नाउ लेफ्ट विद ओनली वन प्लेयर स्टैंडिंग। बैकफुट पर टीम ढकेली जा चुकी है। आप देखिए कैरी आगे जा रहे हैं, वो तो अपने फिनिशर्स निकाल देंगे, बट एंकी मुझे एकदम से बात समझ नहीं। ऑब्वियसली टीम को हमें पता है कि वहां पर प्लेयर्स हैं, टीम के पास अंदेशा नहीं था, आइडिया नहीं था। हैदराबाद हाइड्रास के प्लेयर्स एक तरफ, ये प्लेयर्स आगे जाने की सोची इन्होंने, और वहीं पर इनको दूसरी टीम मिल गई जो थी एनिग्मा की। तो टीम सोल के लिए ये थोड़ा सा एक खराब शुरुआत हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं आसपास, क्योंकि आप देखिए टीएसएम के प्लेयर्स भी हैं, थर्ड पार्टी की सिचुएशंस कहीं ना कहीं होती नजर आ रही हैं। मावी को यहां पर रिवाइव जरूर किया जाएगा, एंड स्काउट उनके हाथ में एक नेड़ है, वो यहां पर उन्होंने कुक किया जरूर है। स्ट्राइकर के लिए दिक्कत हो सकती है, एंड यस विल बी डाउन बाय किल्स नेड, और अब आगे मूव करने की बारी आती है। बट दो प्लेयर्स एक स्प्रे में, एस ब्लैक दो प्लेयर्स एक स्प्रे में डाउन किए जाएंगे। टीम एक्सपा के बहुत ज्यादा मुश्किलों में प्लेयर्स को ला करके खड़ा कर दिया गया है। ऐसे में अगर हैदराबाद हाइड्रास के प्लेयर्स किसी भी कंपाउंड के पीछे से आए तो वेल टीम एक्सपा की ये आखिरी चुनौती कहीं ना कहीं बन सकती है। इसके बाद शायद वो फाइट ना ले पाए, क्योंकि टीम एक्सपा हल्का सा फंस चुकी है। टैक्टिकल वाइल्ड एक बार फिर से डाउन, दिक्कतों में फंस चुके हैं टैक्टिकल के प्लेयर्स, और कल तक इनफैक्ट अपने आप को टॉप 16 में रखा हुआ था। अब वो चीज वापस टॉप 16 में आना और रहना कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत ज्यादा बड़ी चुनौती बन करके बैठा है। मैंटी तो यहाँ पर फिनिश ऑफ आराम से निकाल जरूर सकते थे, ऑल राइट स्ट्राइकर आए, उन्होंने फिनिश निकाला। यहाँ पर जो फर्स्ट पिक है पूरा इस मैप का वो स्ट्राइकर के हिस्से में जाता हुआ। खैर वो बात की बात रहेगी, उससे पहले हम लोग यहाँ पर मैंटी को देख सकते हैं, उन्होंने एक प्लेयर को डाउन किया और खुद कवर में आ चुके हैं। बाकी कॉन्वर्सेशंस बाद में करेंगे, बट उससे पहले यहाँ पर मैंटी खुद को हील करते नजर आएंगे। पीछे सफर हो सकता है, यहाँ पे खत्म हो जाए, लास्ट प्लेयर मोस्ट प्रोबेबली सर्वाइव करता हुआ हमें दिखेगा स्ट्राइकर, जो खत्म करेंगे इस ब्लैक, वो भी डाउन हो चुके हैं। Well, वो बहुत फायदा उठा सकते हैं इस सिचुएशन का, बहुत ज्यादा। आप देखें ऑलरेडी फिनिशर्स उनके पास 5 आ चुके हैं, अभी जो आखिरी प्लेयर बचे हुए थे एनिग्मा से वो भी खत्म हो चुके हैं। बट मैंटी को आप देखें सही समय पे सही स्थान का जो उपयोग है वो इस वक्त वो करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। आप देखें एक हाई रेंज एडवांटेज अभी भी उनके पास, सर्कल है, कहीं उनको जाने की जरूरत नहीं है, और जिस तरीके से वो स्कारल के टैप टैप शॉट्स यहाँ पे दे रहे हैं, मावी जेट बॉय को डाउन करते हुए, और मैंटी उन्होंने वहां पे लेवी को डाउन किया। फर्स्ट प्लेयर लास्ट प्लेयर बचेंगे अपनी टीम से, बट वो सर्कल के एज पे है, सर्कल के बाहर है, अब उनको वहां पे निकलना पड़ेगा और मैंटी इस चीज का फायदा उठाएंगे। इस प्लेयर को आप देखिए स्मोक छोड़ के बाहर, उनको हर हाल में आना ही आना है, डुओ है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती हुई। दोनों प्लेयर जिस तरीके से साथ में रह के भागते हुए आपको दिखाई देंगे, देखिए स्काउट मावी साथ में वहां पे रहेंगे, बट चिकन रशर्स उन्होंने कोशिश बहुत ज्यादा की बट ज्यादा दूर तक अपने आपको ले नहीं पाएंगे। जबकि उन्होंने फिनिश मिनट में देखा होगा कि 3 प्लेयर डाउन हो चुके हैं, आखिरी प्लेयर बचे हुए, आराम से आप जा सकते थे। अभी भी आप देखे फेयरलेस वहां पे मौजूद रहेंगे, मोस्ट प्रोबेबली फेयरलेस हैं जो अकेले अपनी टीम से सर्वाइव करेंगे, बाकी के 3 प्लेयर उनके खत्म हो चुके हैं। टीएसएम वर्सेस हैदराबाद रॉयल्स, इनकी फाइट हमें आखिरी मोमेंट पे देखने को एक बार के लिए मिल जरूर सकती है। बिल्कुल फेयरलेस अकेले बचे हुए, वो भी आखिरी प्लेयर बचे हुए, एक बढ़िया ग्रेनेड आया, बट निंजा जॉट की बात की जाए इस ब्लैक उनको डाउन किया गया, 3 प्लेयर बचेंगे हैदराबाद रॉयल्स के। आप और दिक्कतें बहुत ज्यादा अमेजिंग यहां पर बन रही है, बट अभी भी आप देखे कि टीएसएम के प्लेयर्स ये मैच निकाल सकते हैं, क्योंकि निंजा निंजा अभी भी सर्कल के अंदर, बट कैरी जाते हुए और इसी के साथ निंजा को एकोनॉक्स की बात करें, उन्होंने कैरी को डाउन किया, 2 प्लेयर बचे हुए, 1v2 का यहां पे सिचुएशन चलता हुआ। एकोनॉक्स की बात करें, उनको स्पॉट जरूर किया गया इस ब्लैक के द्वारा, क्या वो क्लच कर सकते हैं 1v2 का, नहीं देखना पड़ेगा। डैमेज दिया गया इस ब्लैक को, बट नहीं, हेलमेट उड़ाया जरूर गया था वहां पे इस ब्लैक का, बट आप देखें एक बेहतरीन विनर विनर चिकन डिनर निकालते हुए हैदराबाद हाइड्रास की स्क्वाड।